उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते रोज थाना पटेल नगर क्षेत्र के राजीव जुयाल मार्ग पर हत्या कर एक महिला के शव को सड़क किनारे फेंकने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या कर उसे ठिकाने लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शादीशुदा प्रेमी ही निकला। पुलिस के अनुसार घटना से एक दिन पहले मृतक महिला ज्योति आरोपी प्रवीण यादव से अपने घर का किराया व खर्चा मांगने उसके घर गई थी, जहां खर्चा न मिलने पर उसकी आरोपी अमित से हाथापाई हुई। इस दौरान मृतक ने उसकी उंगली दांत से काट डाली थी, जिसके चलते गुस्से में आकर आरोपी प्रेमी प्रवीण यादव ने अपनी प्रेमिका ज्योति का गला घोटकर महिला की हत्या कर दी थी। अपनी प्रेमिका ज्योति का गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रवीण ने अपनी मौजूदा पत्नी पूनम के साथ मिलकर शुक्रवार की देर रात राजीव नगर सड़क के किनारे प्रेमिका ज्योति का चेहरा बिगाड़कर शव को कंबल में लपेटकर फेंक दिया, ताकि मामला गुमराह हो सके, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। रिलेशनशिप था और वो इससे जो है इससे पैसा मांगती थी और इसको जो है परेशान करती थी। इसका कहना ये था कि या तो शादी कर लो और शादी नहीं कर रही, और साथ ही साथ ही और लेडीज और जेंट्स से भी इसके संपर्क में थी, जो कि इसको पसंद नहीं था। इस दिन कल जो घटना परसों जो घटना घटी उसमें इनका आपस में झगड़ा हुआ। उस लेडी ने इसके जो है उंगली में दांत से बहुत बुरी तरीके से काटी और इसको धक्का दिया, तो जब झगड़ा बढ़ गया तो इसने उसका गला दबाकर, जो इसका कहना है कि इसने उसका गला दबाकर मृत्यु कर दी। इसके घर से लेडी का मोबाइल फ़ोन और उसका पर्स और आधार कार्ड भी बरामद हुआ।